155वें शासकीय रेल पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर 1 जनवरी से 7 जनवरी तक यात्री सुरक्षा सप्ताह के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसका समापन शुक्रवार को हुआ है। इस मामले में जानकारी देते हुए जीआरपी थाना प्रभारी केएल सिसोदिया ने बताया कि 155वें शासकीय रेल पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर रेल पुलिस महानिरीक्षक महेंद्र सी सिकरवार तथा रेल पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता और अतिरिक्त रेल पुलिस अधीक्षक राकेश खाका के निर्देशन में 1 जनवरी से 7 जनवरी तक यात्री सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया गया है। इस दौरान 1 जनवरी को रेल यात्री सुरक्षा सप्ताह संबंधित पोस्टर लगाए गए, वहीं 2 जनवरी को चिन्हित ट्रेनों में और प्लेटफॉर्म पर एकल महिला यात्रियों को जीआरपी स्टाफ द्वारा जीआरपी हेल्पलाइन ऐप की उपयोगिता और प्रयोग के बारे में समझाइश दी गई। 3 जनवरी को नीमच से जावरा आने जाने वाले रूट पर ट्रेनों में यात्रा कर रहे सीनियर सिटीजन और दिव्यांग यात्रियों को सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी गई है। वहीं 4 जनवरी को रेलवे स्टेशनों पर रेल सुरक्षा समिति के सदस्यों की आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। 5 जनवरी को निराश्रित बच्चों और भिक्षावृत्ति कर जीवन यापन करने वाले लोगों से संपर्क कर उन्हें बिस्किट फल सहित आवश्यक सामग्री बांटी गई है। वहीं 6 जनवरी को मेडिकल ऑफिसर और स्टाफ को बुलवाकर रेलवे सुरक्षा समिति सदस्यों और रेलवे कर्मचारियों सफाई कर्मियों के साथ रेल सुरक्षा के संबंध में बैठक का आयोजन हुआ है। इसके साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों का समापन 7 जनवरी को करते हुए 155वें शासकीय रेल पुलिस स्थापना दिवस का समापन हुआ है। इसमें यह है कि जीआरपी पुलिस का 155वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमारे भोपाल के आईजी महोदय श्री महेंद्र सिंह सिकरवार साहब ने रेल यात्री सुरक्षा सप्ताह का आयोजन रखा गया, जिसमें हमने 1 तारीख से लगाकर 7 जनवरी तक प्रत्येक दिन का अलग अलग टारगेट दिया गया कि पहले दिन पंपलेट वगैरह और आम जनता को हर प्लेटफॉर्म पर जाकर जागरूक करना, दूसरे दिन एकल महिला यात्रा करती है, अकेली आती है तो उसको MP GRP हेल्प ऐप डाउन कराने के बताया गया और उससे कैसे प्रक्रिया होती है और आपको कैसे वहाँ जब रनिंग ट्रेन में जाकर के पुलिस हमारी पार्टी जो सिक्योरिटी पार्टी रहती है वो जाके वहाँ सीट पे जाकर रिपोर्ट लिखेगी और वहीं FIR दर्ज करेगी और कैसे तुरंत आरोपी तक पहुँचा जाएगा, ऐसा ऐप डाउन करके ने सभी को जागरूक किया। 3 तारीख को वृद्धजन सुपर सिटीजन दिव्यांग, 4 तारीख को हमारे जितने भी निराश्रित लोग हैं वो हैं उनको अवगत कराया गया। 5 तारीख को हमारे जितने भी रेलवे एम्प्लायर्स हैं, हमारे रेलवे सुरक्षा समिति के सदस्य हैं, रेल इकाई के मेंबर्स हैं, RPF हैं, हमारे JRP हैं, रेलवे के जितने भी TC हैं, जितने भी गार्ड हैं, उनको बुला करके उनको समझाया गया ऐप के बारे में कि आपके पास कोई भी यात्री आता है तो आपको कोई मेमो देने की जरूरत नहीं है, आप ऐप डाउन करिए, ऐप भोपाल कंट्रोल को जाएगा, कंट्रोल संबंधित थाना प्रभारी बताएगा, संबंधित थाना प्रभारी अपनी सिक्योरिटी पार्टी को वहीं भेजेगा जहाँ आते जो पीड़ित आदमी जा रहा है और चलती ट्रेन में ही उसकी सुनी जाएगी और चलती ट्रेन में ही सारी कार्रवाई की जाएगी, उसकी यात्रा स्थगित नहीं की जाएगी। और उसके बाद उन 6 तारीख को जितने भी एम्प्लॉयर्स किए उनके मेडिकल स्वास्थ्य परीक्षण भी, कोरोना का टेस्ट भी कराया गया और सभी 7 तारीख को समापन अवसर और आज 7 तारीख को ये जो हमारा सप्ताह का समापन हुआ जिसमें हमारे आपके वरिष्ठ आप लोगों को सुबह से हम आमंत्रित किए, पत्रकार वार्ता रखी और पत्रकार आप लोग इस ऐप के बारे में और आम जनता के रेल यात्रियों को कैसे जागरूक किया जाए आपकी मदद हमको चाहिए। आप अपने मीडिया द्वारा या अपने चैनल द्वारा कैसे हर आदमी को जागरूक करें कि GRP MP हेल्पलाइन जो ऐप चलाया गया है इसका क्या तरीका है, जो आपको हमने सबको लोड करवा दिया है गया और आप अपने इस सूचना प्रसारण के मार्फत आम जनता को जागरूक करें। सर इसमें एक चीज़ देखने में आई है कि जैसे आपने बताया युवा और जो नई पीढ़ी है जिनको मोबाइल और अन्य टेक्नोलॉजी का अच्छे से ज्ञान है लेकिन कई ऐसे यात्री भी सफ़र करते हैं ट्रेन में जो बुजुर्ग श्रेणी के होते हैं या जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनको इस संबंध में नॉलेज नहीं होता, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी पुलिस की ओर से, किस तरीके से पुलिस उनकी सहायता करेगी? नहीं, उन्हीं के लिए हमारा दिनांक 2 तारीख को प्रोग्राम 3 तारीख को प्रोग्राम यही रखा कि सुपर सिटीजन जो नहीं जानते हैं उनके साथ घटना हो जाती है तो वो उन लोगों को ये भी जागरूक करना कि कोई भी आदमी पड़ोस में रहे जिनके पास में कोई आपका मोबाइल है तो हमारे पास जो जिसको जागरण बताएगा ये ऐप है तो वो तुरंत खबर करेगा। हमारे जितने भी रेलवे में स्टाफ जाता है, रेलवे के TC जाते हैं, रेलवे के गार्ड जाते हैं।